अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है क्यूज के बारे में है। क्यूज अनदर डेटा स्ट्रक्चर। क्यूज बेसिकली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज डिपेंड अपॉन द व्हेन एन एलिमेंट इज बीइंग इंसर्टेड इन द क्यू। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और इसके अंदर वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट एंड वी कैन रिमूव एन एलिमेंट एंड द रिमूवल ऑफ एलिमेंट रियली डिपेंड्स अपॉन द व्हेन एन एलिमेंट इज बीइंग एडिड इन द क्यू। और क्यू के लिए जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इससे पहले हमने स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास पुश और पॉप ऑपरेशन थे और पुश और पॉप ऑपरेशन के साथ जो है प्रिंसिपल जो इस्तेमाल होता है दैट वाज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे रीसेंट एलिमेंट स्टैक के अंदर हम ऐड करते हैं जब हम पुश पॉप करते हैं तो रीसेंट एलिमेंट जो है वो स्टैक में से रिमूव होता है। जबकि क्यू के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है जो एलिमेंट सबसे पहले क्यू में इंसर्ट हुआ है वो ही सबसे पहले रिमूव होगा। हमारे डेली लाइफ में वी यूज क्यू डिफरेंट टाइम पे। लाइक इफ यू वांट टू डिपॉजिट अ बिल या आप अपनी फीस जमा करवाने जाते हैं तो आप जिस काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर पे सबसे जो है वहां पे क्यू एक मेंटेन की जाती है और जो सबसे पहले आया होता है उसकी बारी सबसे पहले आती है। तो क्यू के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर कोई भी जो है पर्सन या स्टूडेंट ऐड हो सकता है लेकिन सबसे पहले बारी उसी की होगी जो कि उस क्यू में सबसे पहले आया होगा। अगर कोई भी जबरदस्ती अगर फ्रंट पे आए तो उसमें फिर क्या होता है यूजली लड़ाई हो जाती है। तो इसमें जो प्रिंसिपल जो है वो और जो ऑर्डर इस्तेमाल होता है वो यही होता है जो क्यू में फर्स्ट इन है दैट वुड बी फर्स्ट आउट। अब अगर हम डेली लाइफ में इसको देखें तो हमेशा क्यू पे क्या होता है एक पॉइंट से जो है वो आउट हो रहा होता है और एक पॉइंट पे इन हो रहा होता है। तो इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या होता है कि एलिमेंट्स को जो है वो हम ऐड करते हैं वन एंड से और एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं फ्रॉम द अदर एंड। और द एलिमेंट्स और द एंड वेयर एलिमेंट are being added is called rare and elements the end where elements are removed are is called front। तो क्यू में क्या होता है जहां से रिमूव हो रहे हैं एलिमेंट उसको हम फ्रंट कहते हैं और जहां पे इंसर्ट हो रहे होते हैं एलिमेंट उसको हम रेयर कहते हैं। सपोज आप फीस डिपॉजिट करवा रहे हैं काउंटर पे तो क्या होता है कि नए स्टूडेंट जो हैं वो क्यू का पार्ट बनते हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं बारी बारी फी डिपॉजिट करवाने के बाद जो है उस विंडो पे से वहां से उस क्यू में से निकल जाते हैं। तो जो स्टूडेंट जो है फीस डिपॉजिट करवा रहा है उसको हम कहते हैं अब ये इस यहाँ से रिमूव हो रहा है तो इसको कहते हैं हम ये क्यू का फ्रंट है। ठीक है। और जो अब उस लाइन के अंदर या क्यू के अंदर ऐड हो रहा है उसको हम कहते हैं ये रेयर पॉइंट है ये क्यू का रेयर है। तो जिस तरह से रियल लाइफ में क्या होता है कि हम एक क्यू के अंदर एक
एंड से लोग निकलते हैं और एक एंड से लोग जो है वो इंसर्ट होते हैं। इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में द एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रेयर, और जहां से एलिमेंट्स रिमूव किए जाते हैं दैट एंड इज बीइंग कॉल्ड द फ्रंट। क्यू का जो है ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था स्टैक से। स्टैक में था कि हमारे एलिमेंट जो है वो हमेशा इंसर्शन या डिलीशन वो एक ही पॉइंट से होती है और वहीं से चीजें ऐड होती हैं, वहीं से चीजें रिमूव होती हैं। लेकिन क्यू के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो एंड्स हैं, एक एंड से एलिमेंट्स ऐड होते हैं और एक एंड से एलिमेंट जो है वो रिमूव होते हैं। क्यू स्टैक में एलिमेंट के रिमूवल के ऑपरेशन को हम पॉप कहते हैं और एलिमेंट के इंसर्शन के ऑपरेशन को हम पुश कहते हैं। इसी तरह से क्यू के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, लाइक हमें क्यू के अंदर इंसर्ट करना है, क्यू से रिमूव करना है। तो इन क्यू जो है दैट इज एन ऑपरेशन, और इन क्यू से क्या होता है, वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन द क्यू। और क्यू में एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, एट द रेयर। इन क्यू का फंक्शन जो है दैट बेसिकली टेक्स वन पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या होता है, द एलिमेंट दैट इज वी वांट टू इंसर्ट इन द क्यू। इसी तरह से इफ वी वांट टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन क्यू, फ्रॉम अ क्यू, फॉर दिस पर्पस वी हैव एन ऑपरेशन, ऑपरेशन इज नेम्ड एज डी क्यू। तो डी क्यू में क्या होता है, एलिमेंट क्यू से रिमूव हो जाता है, और जब एलिमेंट क्यू से रिमूव होता है तो हमारे पास एलिमेंट कहाँ से रिमूव होता है, फ्रंट ऑफ द क्यू से। और डी क्यू का फंक्शन जो है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता, डी क्यू का फंक्शन जस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, और जो वैल्यू है वो हमारी होती है द एलिमेंट। हमारे पास अगर इंटीजर वैल्यू के लिए हमने क्यू बनाई है तो डी क्यू का फंक्शन जो है वो इंटीजर रिटर्न करेगा। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन होता है दैट इज द फ्रंट। फ्रंट के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू रिटर्न होती है बट वैल्यू जो है वो रिमूव नहीं होती हमारी क्यू से। फ्रंट आप जिस तरह से हम लोगों ने टॉप का ऑपरेशन जो था इम्प्लीमेंट किया था स्टैक में, तो स्टैक में क्या करता था, टॉप में वैल्यू रिटर्न होती थी लेकिन रिमूव नहीं होती। इसी तरह से क्यू के कॉन्टेक्स्ट में फ्रंट का जो ऑपरेशन है वो वैल्यू रिटर्न करता है बट वैल्यू जो है वो क्यू से रिमूव नहीं होती। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डी क्यू ऑपरेशन एंड फ्रंट ऑपरेशन। डी क्यू में वैल्यू रिमूव होती है, ठीक है, फ्रंट में वैल्यू रिमूव नहीं होती। डी क्यू और फ्रंट दोनों हम कब कर सकते हैं, अगर हमने अपनी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट किया हो तो तब ही हम उसको क्यू से रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी हो तो उस केस में क्या होगा, अगर क्यू एम्प्टी होगी तो आप उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, आप उसके फ्रंट में से भी कोई वैल्यू गेट नहीं कर सकते। तो जब भी हम डी क्यू करेंगे या फ्रंट का ऑपरेशन कॉल करेंगे, वी हैव टू चेक दैट क्यू इज नॉट एम्प्टी। इफ द क्यू इज एम्प्टी तो उस केस में क्या होगा, डी क्यू और फ्रंट दोनों के केस में वी विल गेट एन एरर, because we want to are trying to remove
an element from a cube, but there is no element present in the cube, so that's where we will get an error. In addition to the in queue, DQ and front, हमारे पास कुछ और functions भी हैं to support these in queue, DQ and front. Another method that we can use is the size, or size basically returns number of oppressed elements in the queue, कि हमारे पास queue के अंदर currently कितने elements मौजूद हैं. और empty का जो function है return true, it's a boolean function, data return type is boolean, और ये true तब return करता है अगर queue empty हो, otherwise it will return false. तो ये हमारे पास कुछ list of operations हैं जो कि हम एक queue के ऊपर perform कर सकते हैं. Insertion के लिए we have an operation of in queue. Removal के लिए we have an operation DQ, and if we want to check or get the value at the front, उसके लिए we have a function front. अब हम देखते हैं कि अगर हम इन series of operation को एक queue के ऊपर perform करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास queue के क्या contents होंगे. यहाँ पे टेबल में आपको एक इंटीजर क्यू शो की गई है, और इस क्यू के कॉन्टेक्स्ट में देयर आर लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस, और उन ऑपरेशंस के साथ हम देख रहे हैं कि अगर तो वो ऑपरेशंस कुछ आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं, तो वो आउटपुट क्या है, वैल्यू कहाँ पे ऐड हो रही है, और कॉन्टेंट्स में क्या है. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है इन क्यू, और इन क्यू का ऑपरेशन जो है दैट टेक्स वन पैरामीटर, और पैरामीटर क्या है 5, क्योंकि हम इंटीजर स्टोर करना चाह रहे हैं. इन क्यू के अंदर क्योंकि हम क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो देयर वुड बी नो आउटपुट. और अब हमारे पास क्यू में क्या होगा 5. अब इन क्यू 5 के बाद हमने एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया इन क्यू का, और यहाँ पे हमने 3 इन क्यू किया. इसका मतलब है हमारे पास क्यू में 3 ऐड हो जाएगा. क्यू में ऑलरेडी हमारे पास क्या पड़ा हुआ 5, जैसे ही हमने इन क्यू किया 3, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्यू के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 3, तो क्यू का साइज क्या है 2. इसके बाद हमने फ्रंट का फंक्शन कॉल किया. फ्रंट का फंक्शन क्या करता है, वो जस्ट रिटर्न करता है फ्रंट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है. और सबसे जो फ्रंट के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है 5, क्योंकि सबसे पहले 5 इंसर्ट हुआ था, तो फ्रंट के फंक्शन ने आउटपुट क्या कर दिया 5. साइज का फंक्शन अगर हम कॉल करें इसी क्यू के ऊपर, तो करंटली हमारे पास इस क्यू में 2 एलिमेंट्स हैं, तो साइज जो है वो रिटर्न कर देगा 2. आउटपुट क्या होगी हमारे पास इस फंक्शन की 2. सपोज अब हम डी क्यू करते हैं. करंटली हमारे पास क्यू के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 3, तो डी क्यू क्या करेगा, जो सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ होगा उसको डिलीट कर देगा. सबसे फर्स्ट में कौन सा इन हुआ था, दैट वाज 5, तो 5 वुड बी आउट. अब हमारे पास क्यू के कंटेंट्स क्या रह जाएंगे, जस्ट 3. अब हमने इसी के अंदर अगर इन क्यू करते हैं 7, तो अब क्यू का साइज अगेन विल बिकम 2, और हमारे पास क्यू में हो जाएगा 3 और 7. अगर हम डी क्यू करते हैं तो 3 और 7 में सबसे पहले कौन सा लॉन्गर ड्यूरेशन में कौन सा पड़ा हुआ है, दैट इज 3, तो डी क्यू में क्या होगा 3 रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास क्यू में जस्ट 7 आ जाएगा. अब अगर हम फ्रंट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो हमारे पास 7 आउटपुट आ जाएगा. अब अगेन हमने हमारे पास क्यू में जस्ट 7 है,
हमने इसके ऊपर एक डीक्यू का फंक्शन परफॉर्म किया, डीक्यू किया तो डीक्यू क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा और हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्यू एम्प्टी हो गई है। अब अगेन अगर हम एक और डीक्यू का फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज क्यू इज एम्प्टी एंड वी आर ट्राइंग टू डीक्यू फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू, सो वी विल गेट एन एरर। ठीक है, तो हमारे पास एरर डिस्प्ले होगा। नाउ इफ वी इनवोक द फंक्शन ऑफ एम्प्टी तो क्या होगा, एम्प्टी का जो ऑपरेशन था वो बूलियन रिटर्न करता था ट्रू और फॉल्स, और ट्रू ये कब रिटर्न करता है, जब एक क्यू एम्प्टी हो। तो करंटली हमारी क्यू एम्प्टी है, तो इस केस में ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू। अब हम देखते हैं हम क्यू की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू को इंप्लीमेंट करने के दो मेथड्स हैं, द फर्स्ट वन इज द अरे एंड सेकंड वन इज द स्टैक। जस्ट लाइक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग अरे एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अरे के कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड साइज होता है, हम उससे वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट साइज। ठीक है, और लिंक लिस्ट में और जब हमारे पास अरे फुल हो जाती है तो हमें स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्टैक ओवरफ्लो के प्रॉब्लम को हमने ओवरकम किया था बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट। इसी तरह से अब हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। क्यू को भी हम अरे के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के साथ भी। लिमिटेशन क्या होगी अरे के साथ, अरे के साथ सेम लिमिटेशन होगी कि हमारे पास एक फिक्स साइज होगा और उस फिक्स साइज से ज्यादा एलिमेंट्स उस क्यू के अंदर इंसर्ट नहीं हो सकेंगे। जबकि लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि हमारे पास कभी भी, क्योंकि एक फिक्स साइज नहीं है, व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड वी कैन ऐड ए न्यू नोड, और हम उस न्यू नोड के ऐड करने के साथ अपने क्यू के अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने क्यू को सपोज अगर अरे के साथ इंप्लीमेंट करना है अरे के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, हमारे पास एक फिक्स साइज होगा और उस साइज के अंदर वी हैव टू टेक द ट्रैक कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो उस अरे के अंदर मौजूद है। लाइक सपोज हमारे पास मैक्सिमम साइज अरे का 10 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर वक्त क्यू के अंदर 10 एलिमेंट्स हों। हो सकता है हमारे पास क्यू में जस्ट 2 एलिमेंट्स हों या एलिमेंट्स, सो वी हैव टू एक्चुअली कीप ट्रैक हमारे पास करंटली क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने क्यू को जब इंप्लीमेंट करना है अरे के साथ तो हमारे पास इन क्यू का ऑपरेशन जो है हमें पता है एक साइड पे होता है, और डी क्यू का ऑपरेशन जो है वो अरे की एक एंड के ऊपर होता है। ठीक है, तो इन क्यू का ऑपरेशन जिस एंड के ऊपर होगा हमें उसका जो है वो इंडेक्स भी स्टोर करना है कि इन क्यू कहाँ पे हो रहा है जिसको हमने रेयर कहा था, और इसी तरह से डी क्यू हम कहते हैं तो हमें फ्रंट ऑफ द अरे कहाँ पे है, यूजली जो होता है हम इसको अगर सपोज कहते हैं कि हम जीरो से इंडेक्स जीरो से पे से हम एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसको भी हम देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मेथड्स के